Well, for a Gujarati, one of the motto is Khavanu, Pivanu and Majani life. Well, yes, and if one has to talk about the politics and understand the mood of people around in Gujarat, what can be the better place than a place where it's all about food and almost a food paradise? Well, yes, I'm currently at City Square of Ahmedabad, known as Manek Chowk, and around me you certainly see there are several people in thousands and at the same time several stalls of food that are put up. Now this particular spot, the Manek Chowk, is one of the unique spot, I say so, because it gets transformed during the day. The kind of billboards that you see, it's a jewelry market that functions, and as day ends and night starts, it gets converted into the fabulous food paradise that you're seeing right now around me. We, the new engine team, are going to go ahead and talk more about the politics, try and have the food and the flavor of people, flavor of mood of people as election coverage and as Gujarat elections are just past some few days ahead, is what we understand. थ्री कॉर्नर फाइट दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस है। आप नेचुरल बात है, बीजेपी पे रहता हूँ मैं बीजेपी वाला हूँ, हमेशा से बीजेपी में दिया है मैंने। बट ये किस तरह का, मोदी जी बेस्ट रहते मेरे पास हमेशा, बहुत सारी बहुत छोटे वर्ग के लिए नहीं कर रहे, लेकिन बड़े 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 पैमाने पे तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये है। आप जो थोड़ा बहुत महंगाई वो तो होती ही रहती है, सभी शहरों में होती है, लेकिन जो बोल रहे हैं जो नोटबंदी हुई उसमें भी बहुत ब्लैक मनी निकला ही था ना, नहीं निकला तो ऐसे बात तो था ना कि नहीं निकला। अभी डॉलर पे काम चल रहा है, मैंने न्यूज़ में सुना डॉलर पे काम चल रहा है, कि डॉलर पे काम चल रहा है कि जो भी बाहर इम्पोर्ट आउटपुट होगा उसमें डॉलर की जगह डायरेक्ट अपना रुपीस को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, यू आर गोना गो अहेड इन सम डेज एंड वोट, हुम डू यू ट्रस्ट? आप किसको ट्रस्ट करते हैं? क्या आप नरेंद्र मोदी इनको ट्रस्ट करते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को ट्रस्ट करते हैं, क्या राहुल गांधी को ट्रस्ट करते हैं? आपके लोकल जो कैंडिडेट खड़े हैं कौन सी पार्टी से, उनको आप? ऑफ कोर्स मोदी, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट मोदी, ही हैज डन वर्क इन गुजरात एंड इन इंडिया एज वेल, सो वी ट्रस्ट हिम फॉर द डेवलपमेंट। Are other people like Arvind Kejriwal who comes on ground of Gujarat and let me tell you this, he is claiming that he is going to give this thing free, right? We are not going to fall in that trap because nothing comes free in this world, so we don't believe that. I mean, ultimately it's our money. Election mein to BJP hi aayegi, acha ye guarantee hai. Kyun? Bas modi hai to mumkin hai, definitely. इन्फ्लेशन है या कहीं पर डेवलपमेंट नहीं है? ये इन्फ्लेशन दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये लोग खाना खा रहे हैं, जो खड़े रहने की जगह नहीं है, क्या इन्फ्लेशन है? तो फिर आप वोट करने जाएंगी, महिला हो, किस तरह से चीजों को जानना? अभी जो चल रहा है उसी हिसाब से सब ठीक चल रहा है, कोई बदलाव? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ, कुछ भी नहीं होएगा। कांग्रेस, उसका भी कुछ नहीं होएगा। फर्स्ट टाइम वोट देने वाला हूँ। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई वांट टू हियर यू। यस, सो मैंने ऑब्जर्व किया, मींस पहले की जो सरकार थी और बाद में 2014 के बाद बीजेपी जो थे, तो मेनली अभी करंटली मेट्रो में जाके आया हूँ, तो वहाँ पे काम दिख रहा है, प्लस हमारे एरिया में 2-3 लाइक ओवरब्रिज बने हैं, ये सब ऑब्जर्व करके ये सोचा है मैंने कि बीजेपी ही वोट दूंगा और उसको ही देने वाला हूँ, क्योंकि काम बोलता है ना। अभी तो क्या, पहले तो भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला था, अभी अब आप भी है, अब कुछ का पब्लिक कुछ बताती नहीं है कि हम इस ये पार्टी को वोट देंगे, इसको मेजोरिटी देंगे, लेकिन हर पार्टी अपना अपना दावा तो कर रही है पेपर में। हम तो 45 बरस से देखते, 50 बरस से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन क्या थोड़ा मतलब बदलाव हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए ऐसा तो दिखना नहीं रहा है। जैसा मैं पहले 50 मिनट पहले धंधा करता था, आज ऐसा ही है, कुछ फेर फाड़ नहीं। आई विल गो फॉर नो, नॉट फॉर भाजपा, नॉट फॉर केजरीवाल, नॉट फॉर कांग्रेस, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू एनीथिंग, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन।
what is it that you as a citizen has made you so hard to not to go for any political party who are contesting elections? There are many reasons, like that my son is studying in a very standard school. They are not support, means many times they are complaining to the government that they are forcing us to adapt bus, they are forcing us for more fees, but they are not listening to the people, means parents. What are more reasons? As there are many reasons, many schools are forcing us to adapt the IB board, or they are not going Gujarat board. When we are taking the admission, they claim that you will get Gujarat board in the 8th grade. But now we are not getting the Gujarat board. We complain that, but no one is here. You mean to say the education model as per you in Gujarat is not so? Yes. Is it somewhere the inflation that is making a hole in your pocket? Yes. There is an inflation. And that impacts? Impacts your whole life. Impacts to all the middle class. No politician is qualified enough. If you compare it with the US, Indian politicians lack education. So I think no one deserves to get a vote, because inflation is the major factor to be considered, and they are not reducing it. And inflation has been difficult for common man. So day-to-day living has been very difficult for common man. So I think there is a factor to be considered.